दरअसल सीक्वेंट साइंटिफिक अभी शायद नतीजे आए हैं और शायद उसका असर भी दिख रहा है, ये आने बाकी है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो एक्शन है। सर ये बाउंस, इसमें एक गदगद बाउंस चल रहा है आफ्टर ए वेरी लॉन्ग करेक्शन, ठीक है, इसमें गदगद बाउंस चल रहा है, तो अगर कोई लॉन्ग है तो लॉन्ग बने रही है। ऊपर में ये रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा 125 के करीब का, तो वहां पे आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं। बट अभी भी डेली चार्ट में ये अपने अपर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आ चुका है, जो कि इसका एक इमीडिएट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जो कि अगस्त से चले आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा आई गेस 113-114 के ऊपर में ये ब्रेक करेगा, तब आपको 113-114 के ऊपर ब्रेक करता है तो 125 तक मिल जाएगा। बट ऑलमोस्ट चार्ट पैटर्न अब इसका धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट इसमें आई थिंक 239 से ये करेक्टिंग, बट अभी अपना वेव को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और सामने इसके अर्निंग्स है। अगर अर्निंग्स बढ़िया आ जाता है तो आपको ये वेव अच्छा मिल जाएगा। बट अभी 125 इसका डेली चार्ट में बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको अगर इसके ऊपर ही चल गया तो बहुत अच्छा बात है। और जो सबसे मजे की बात है, इट इज अ रिस्क टेकिंग स्टॉक। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। आप अगर सिक्वेंट का वीकली चार्ट करोगे एलएक्सजी, तो मैं कुछ दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। जी ये देखिए, इसका ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है सिक्वेंट साइंटिफिक का। अगर आप देखोगे ना 99, और ये 99.50 रुपया 90 से 99 का जो जोन है ना, ये इसका मल्टी ईयर सपोर्ट जोन है। 3 इयर्स 4 इयर्स का ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये वीकली चार्ट में बॉटम आउट हो रहा है, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आफ्टर सच ए ह्यूज करेक्शन फ्रॉम 336, आई थिंक जून 2021 में इसने 336 का हाई बनाया, तो वहां से एक तरफा इसमें करेक्शन चला है, ठीक है। तो आई थिंक अब ये बॉटम आउट, ये लेवल पे बॉटम आउट होने के कगार पे है। 90-95 का एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर चाहो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और आपका पहला टारगेट रहेगा 125 और दूसरा टारगेट रहेगा 143 के करीब का, 42-43 के करीब का। तो ये वीकली सपोर्ट को प्ले कर सकते हैं, इतना जल्दी से ये वीकली सपोर्ट टूटेगा नहीं। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, अगर आपको डीप में 100 रुपए के करीब मिल जाता तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इसने जून महीने में भी करीब करीब एक स्पाइक मारा था, इसीलिए रेंज पे करीब में 82 का स्पाइक मारा था, वहां से इसने एक बहुत तगड़ा रन अप दिया था 130 तक के करीब। तो सेम चीज हो सकता है यहाँ पे, इसने आप 94 का स्टॉप लॉस रखिए, 90 से 94 का स्टॉप लॉस रखिए, बाउंस टारगेट मेरे लिए 140 का रहेगा, 42 के करीब का रहेगा इसमें बाउंस का टारगेट। वीकली चार्ट अच्छा है, सपोर्ट जोन पे बेस्ड है, तो पैसा बनना चाहिए इसमें। जी